नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमैरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, एक वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। क्रीमिया पर यूक्रेनी हमले का एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। यूक्रेनी मिसाइल का मलबा पावर ग्रिड पर गिर गया है, ऐसी जानकारी मिल रही है। क्रीमिया में रूसी पावर ग्रिड तबाह हो गया है। रूस ने इंटरसेप्ट की है यूक्रेन की मिसाइल और क्रीमिया के रूसी सैन्य बेस पर हमला असफल रहा है। तो किस तरह की जानकारी मिल रही है आपको एक बार फिर से बता दें, क्रीमिया के रूसी सैन्य बेस पर हमला असफल रहा है लेकिन इंटरसेप्ट की गई है यूक्रेन की मिसाइल। रूस ने इंटरसेप्ट की यूक्रेन की मिसाइल क्योंकि इस मिसाइल के द्वारा क्रीमिया पर हमला किया गया लेकिन सैन्य बेस को नुकसान नहीं पहुंचा, वहां हमला करने में यूक्रेन सफल नहीं रहा। युद्ध में यूक्रेन का अंतकाल शुरू होने वाला ऐसा लग रहा है। आज रात यूक्रेन के लिए कयामत की रात साबित हो सकती है। पुतिन सेना इतना बारूद बरसाने वाली है कि यूक्रेन की सूरत बदल जाएगी। युद्ध का सबसे प्रलयकारी फेज इसलिए शुरू हो गया है क्योंकि यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर हमला कर दिया है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज वेपन से क्रीमिया में रूस के एयरबेस को तबाह करने की कोशिश की। इसी के बाद तय हो गया कि अब पुतिन यूक्रेन पर परमाणु प्रहार करने वाले हैं। स्लोव से लेकर क्रीमिया तक विध्वंस की नई ज्वाला धधक रही है। 36 घंटे से रूस पर इसी तरह से प्रहार हो रहा है। यूक्रेनी फोर्स ने आधी रात को पुतिन के बांध यानी क्रीमिया को दहलाने की कोशिश की। एक जोरदार धमाका हुआ तो क्रीमिया का आसमान नीली रोशनी से भर गया। यूक्रेनी फोर्स ने क्रीमिया पर अब तक का सबसे बड़ा हमला करने का प्लान बनाया था। रात के अंधेरे में इस प्लान को लॉन्च भी कर दिया गया लेकिन ज़ेलेंस्की सेना अपने प्लान में कामयाब नहीं हो पाई। यूक्रेन ने क्रीमिया के फियोडोसिया में बड़ी स्ट्राइक करने की कोशिश की। यहीं पर रूसी सेना की एयरफील्ड है। यूक्रेन के टारगेट पर यही एयरफील्ड थी। ज़ेलेंस्की के जवान स्कोव की तरह ही यहां पर भी बड़ा विनाश करने वाले थे लेकिन रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के ऑपरेशन क्रीमिया को हवा में ही तहस नहस कर दिया। रूस का दावा है कि क्रीमिया में तैनात एयर डिफेंस ने आधा दर्जन मिसाइलों को हवा में ही मार गिराया। हवा में मिसाइल को टारगेट किया गया, वो नीचे आई और जोरदार धमाका हो गया। ऐसा धमाका जिससे पूरा इलाका थर्रा उठा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये धमाका क्रीमिया के पावर ग्रिड पर हुआ। इस वजह से एक बड़े इलाके में ब्लैकआउट हो गया। रूस के कई सैन्य ठिकाने अंधेरे में डूब गए। हमले से जुड़ी दो रिपोर्ट्स हैं। एक रिपोर्ट में यह ऐलान किया गया है कि यूक्रेन ने क्रीमिया पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया तो दूसरी सेना कह रही है कि ज़ेलेंस्की सेना ने क्रीमिया को घातक ड्रोन से दहलाने की कोशिश की। इस बीच ज़ेलेंस्की ने जो ऐलान किया वो इस बात का सबूत है कि यूक्रेनी फोर्स ने लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से हमला किया। यूक्रेनी सेना ने क्रीमिया पर लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल से हमला किया। यह हमला 700 किलोमीटर की दूरी से किया गया।
जेलेंस्की ने यह तो बताया कि हमला लॉन्ग रेंज मिसाइल से 700 किलोमीटर की दूरी से किया गया, लेकिन उस मिसाइल का नाम नहीं बताया जिससे अटैक को अंजाम दिया गया। तो सवाल यह है कि आखिर ये मिसाइल कौन सी है। ये सवाल इसलिए क्योंकि अभी तक यूक्रेन के पास स्टॉर्म शैडो मिसाइल ही है। इसकी रेंज सिर्फ 300 किलोमीटर है। साहिर है स्टॉर्म शैडो की रेंज 700 किलोमीटर नहीं है, तो संभव है कि नेटो ने सीक्रेट तरीके से यूक्रेन को कोई दूसरी घातक मिसाइल दे दी हो। या ये भी हो सकता है कि स्टॉर्म शैडो को अपग्रेड कर दिया गया हो। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूक्रेन ने क्रीमिया पर किस मिसाइल से सबसे बड़ा हमला करने की कोशिश की। लेकिन उससे पहले ये जानिए कि असल में जेलेंस्की सेना का ऑपरेशन क्रीमिया था क्या। रात में जब क्रीमिया के लोग सो रहे थे तभी यूक्रेनी फोर्स ने कई मिसाइलें दागी। मिसाइलों के टारगेट पर क्रीमिया में मौजूद रूस का एयरबेस था। स्कोव की तरह ही यहां भी रूसी विमानों को तबाह करने का प्लान था, लेकिन रूस ने इस प्लान को नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन को की सभी मिसाइलों को हवा में ही ध्वस्त कर दिया। रूस ने एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइलों को तो मार दिया, लेकिन जलती हुई मिसाइल का मलबा पावर ग्रिड पर जाकर गिरा। एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और इसी के साथ उस इलाके में ब्लैकआउट हो गया। रूसी सेना के तमाम ठिकाने अंधेरे में डूब गए। सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन ने किस मिसाइल से हमला करने की कोशिश की। रूस को शक है कि यह हमला ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया गया। दूसरी थ्योरी यह है कि यह ड्रोन हमला था। तीसरी थ्योरी के मुताबिक यूक्रेन ने सोवियत युग के घातक हथियार से धावा बोलने का प्रयास किया। कुछ रूसी वॉर एक्सपर्ट्स तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन को नेटो ने सीक्रेट तरीके से नई घातक मिसाइल दी है। यह हमला उसी से किया गया है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से यूक्रेनी फोर्स रूस में चार जगहों पर तबाही मचा रही है। क्रीमिया में उसने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने की कोशिश की है। ज़ापोरिज्या के रोबोटाइम पर यूक्रेनी सेना ने कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना तोकमक को भी जीतने के करीब है। यहां जंग तेज है। इसके साथ ही बर्बोटाइम में भी खतरनाक युद्ध चल रहा है। यूक्रेन सिर्फ क्रीमिया या मॉस्को ही नहीं बल्कि रूस के एक दर्जन इलाकों को लगातार ड्रोन से दहला रहा है। क्रीमिया के साथ साथ रूस के दर्जन भर इलाकों में यूक्रेन 500 से ज्यादा ड्रोन दाग चुका है। यह हमले सिर्फ एक हफ्ते में किए गए हैं। इस मैप को गौर से देखिए। क्रीमिया के साथ साथ रूस के इलाकों में सैकड़ों लाल रंग के निशान दिख रहे हैं। इन सभी जगहों पर ड्रोन अटैक हुए हैं। सेवेस्टोपोल और ब्लैक सी में यूक्रेनी सेना सी ड्रोन से भी अटैक कर रही है। रूसी हमलों में यूक्रेन के ड्रोन हमले इसलिए तेज हो गए हैं क्योंकि यूक्रेन ने फ्रंटलाइन पर बारूद का बड़ा जखीरा भेज दिया है। यूक्रेनी मंत्री मिखाइलो फेदरोव ने ऐलान किया कि यूक्रेन ने 1000 से ज्यादा घातक ड्रोन फ्रंटलाइन पर भेज दिए हैं। रूसी पोजीशन पर हमले के लिए 30 रोबोटिक सिस्टम भी भेजे गए हैं। यही वजह है कि यूक्रेन रूस पर हर रोज ड्रोन की बारिश कर रहा है। क्रीमिया के फियोडोसिया में हमले के बाद रूस की सेना काफी कमजोर होती नजर आ रही है। ज़ापोरिज़्या में रोबोटाइन जीतकर यूक्रेनी सेना तेजी से क्रीमिया की ओर बढ़ रही है। रोबोटाइन ही नहीं, यूक्रेनी सेना को तोकमाक और बर्बोफोई में बढ़त मिल गई है। इससे मॉस्को में हड़कंप मच गया है। रूस की आन बान और शान क्रीमिया पर आंच आई तो मॉस्को में फिर से परमाणु प्रतिशोध की मांग होने लगी। रूसी ड्यूमा के डेप्यूटी चीफ एंड्री गुरुलेव ने कहा है कि क्रीमिया पर हमला रूसी अस्तित्व पर सवाल उठने जैसा है। क्रीमिया पर हमला होने पर रूसी कानून के मुताबिक परमाणु ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्रीमिया समेत मॉस्को पर लगातार हो रहे हमले और परमाणु प्रतिशोध की मांग से पुतिन पर दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
इस दबाव को खत्म करने के लिए, जंग जीतने के लिए पुतिन किसी भी वक्त प्रलय का बटन दबा सकते हैं। परमाणु महाविनाश की संभावना इस वक्त बहुत बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।